आप एक काम कीजिए, आप जरा उठ के इधर आ जाइए, हम लाइव जाए इस वक्त, हैं लाइव, हैं लाइव, हैं आप उठ के आ जाइए, आप उठ के आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज। मैं हमेशा जब भी कोई भी चीज़ करता हूं तो मैं, मुझे यूजुअली आप लोगों से बात करने की बहुत आदत है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी मजबूरी है, मैं आ नहीं सकता आपकी तरफ। आप इधर से आ जाइए, उठ के आ जाइए, उठ के आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात, उठ के आ जाइए इधर, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ से ले लीजिएगा मुझे, यहाँ से मुझे ले लीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अरसलान। अच्छा, जब जिस वक्त ये महफिल हो रही थी तो मैंने आपको मुसलसल देखा है, आप मुसलसल आसमान की तरफ देख रहे थे, मुसलसल आप झूम रहे थे, क्या सोच रहे थे? था तो घर वालों ने यही बोला था कि जा रहे हो तो दुआओं, तो बस उसी को दिल में रख के अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक ये ईद आ रही है उसके सदके और इस रमज़ान के सदके, और आज पाकिस्तान बना था 27वें रोजे को। अपने लिए कुछ मांगा? अपने लिए तो बहुत कुछ मांगा अल्लाह से कि अल्लाह पाक जो हमारे नसीब है और आने वाले वक्त जो आ रहा है, बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, उसको आसान करे। तो बताए, मैं यहाँ पर बैठा था और तुम्हें देख रहा था मुसलसल, और मुझे ऐसा लगा कि एक लम्हा ऐसा आया था जब मैं ये समझ पा रहा था कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल की जो भी मुराद है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होगी, और तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी मुराद ये है, तुमने पहली बात जो की है वो ये की है। तो जहाँ ये सोच रखने वाले, और अगर आप इनकी बात को सही समझते हैं और समझेंगे, तो एक साथ बाआवाज़ बुलंद हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा, और मैं चाहता हूं ये मंजर दिखाया जाए एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार, जब मेरी आवाज पे, मेरी आवाज पे, मेरी आवाज पे, ऐसे नहीं, मेरी आवाज पे, जब मैं कहूंगा एक दो तीन तो हम सब कहेंगे सुभान अल्लाह, तुमने मेरे साथ कहना है एक दो तीन सुभान अल्लाह। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।